आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर निफ्टी की ड्रीम रन जारी रही, जहां पे बेंचमार्क ने ऑल टाइम हाई कायम किया 22,794.70 मार्क पर। सच कहे तो ये लड़ाई ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस, फंडामेंटल्स और सेंटीमेंट्स के बीच देखने को मिली। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 0.25% ऊपर 22,476 मार्क पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,878 0.20% ऊपर। शुक्रवार के व्यापार में दलाल स्ट्रीट पर मैसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जहां निवेशक खरीदारी से दूर रहना पसंद कर रहे थे तीन नेगेटिव कैटलिस्ट के चलते। पहला, हद से ज्यादा ऑप्टिमिज्म, दूसरा ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस, तीसरा पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 2,116 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। किंतु फिर भी हमें लगता है कि हमारे मार्केट्स ऐसे हेडविंड्स के प्रेशर में एक दिन से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। पॉजिटिव कैटलिस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहला, फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल के हाल ही के डॉविश स्टेटमेंट्स की वजह से सकारात्मकता देखने को मिल रही है। पॉवेल के विधानों से यह साफ हो गया कि इस साल रेट कट्स हो सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव कैटलिस्ट, उम्मीद से कमजोर आए अप्रैल जॉब्स रिपोर्ट के चलते शुक्रवार के व्यापार में वॉल स्ट्रीट में अच्छी तेजी नजर आई, जिस वजह से अब लग रहा है कि फेडरल रिजर्व सितंबर महीने में रेट कट कर सकते हैं, ना कि नवंबर महीने में। तीसरा, पूरे हफ्ते के लिए WTI कच्चे तेल के दाम 6.5% नीचे गिरे, जो कि पिछले 7 महीनों का निचला स्तर है, $78.30 प्रति बैरल पर। चौथा, अप्रैल महीने का GST रेवेन्यू कलेक्शन काफी अच्छा रहा। अप्रैल महीने में GST रेवेन्यू ₹2.10 लाख करोड़ पर देखने को मिला। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ की बात करें तो वो 12.4% पर देखने को मिली। इसका श्रेय डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में बढ़त को दिया जा रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 13.4% ऊपर है, और इंपोर्ट्स भी 8.3% ऊपर है। पांचवा, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह अंदाजा है कि इस साल अच्छा रेनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले 20 साल में देखने को नहीं मिला था। और छठा पर सबसे अहम कैटलिस्ट ये कि प्री इलेक्शन रैली देखने को मिल सकती है, जहां पे निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि मौजूदा सरकार फिर लोकसभा इलेक्शंस के बाद सत्ता में आ सकती है। संक्षेप में कहें तो निफ्टी में अभी भी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क छूने के आसार कुछ महीनों के दृष्टिकोण से नजर आ रहे हैं। ज्ञान मंत्र तो यही कहता है कि जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। अब पिछले हफ्ते इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म किया इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी पूरे हफ्ते के लिए 0.25% ऊपर रहा। निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला 22,794.70 मार्क पर। फ्रेश ऑल टाइम हाई 49,974.75 मार्क को छूने के बाद बैंक निफ्टी में स्लगिश व्यापार नजर आया पूरे हफ्ते के लिए, किंतु फिर भी बैंक निफ्टी पूरे हफ्ते के लिए 1.50% ऊपर रहा और क्लोजिंग 48,923 मार्क पर देखने को मिला। प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.09% ऊपर रहा, जबकि PSU बैंक इंडेक्स 2.01% ऊपर रहा। निफ्टी के आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इस प्रकार रहे, निफ्टी PSE 3.94% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.94% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.58% ऊपर। वही अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की अगर बात करें तो निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3.13% नीचे, निफ्टी IT इंडेक्स 2.25% नीचे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.66% नीचे, निफ्टी FMCG 0.05% नीचे। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.75% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.26% नीचे रहा। निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो M&M 7.24% ऊपर रहा, पावर ग्रिड 6.36% ऊपर, ग्रासिम 5.93% ऊपर, कोल इंडिया 4.12% ऊपर, SBI 3.76% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे, HCL टेक 8.54% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल्स 3.98% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक 3.84% नीचे, HDFC लाइफ 3.73% नीचे, भारतीय एयरटेल 3.67% नीचे। पिछले हफ्ते के कुछ स्टॉक्स जो सुर्खियां बटोरते नजर आए, बजाज फाइनेंस 3% ऊपर रहा, जब खबर आई कि RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट किए हैं बजाज फाइनेंस के ई कॉमर्स के ऑनलाइन डिजिटल इंस्टा EMI कार्ड के इमीडिएट इफेक्ट से। इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक भी सुर्खियां बटोर रहा था, क्योंकि उन्होंने वन टाइम बोनस की घोषणा की अपने एम्प्लॉयज के लिए मई महीने की सैलरी में। पिछले हफ्ते कोल इंडिया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, क्योंकि उनके मैनेजमेंट ने यह कहा कि भविष्य में डिमांड और बढ़ सकती है। कोल इंडिया का Q4 नेट प्रॉफिट भी ऊपर बढ़ा 26% से ₹8,640.5 करोड़ पर। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कोल इंडिया ने 838 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन का टारगेट रखा है, जिसमें से अकेले 661 मिलियन टन्स केवल पावर सेक्टर को सप्लाई किया जाएगा।